हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैग विद तनवीर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सपोज करो कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और आपके किसी फ्रेंड को या किसी एम्प्लॉय को या किसी जूनियर को आपकी मदद चाहिए और आप उसको हेल्प करना चाह रहे हो, लेकिन किसी भी कंपनी में होता क्या है कि आप अगर आप उसकी मदद करते हो या हेल्प करते हो तो आप रिमोट लेके काम कर सकते हो। रिमोट के ऊपर भी मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन रिमोट लेने के लिए भी आपको लोकल एरिया कनेक्शन को क्रिएट करना होगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन पर जा करके देख सकते हो। सबसे पहले आपको लोकल एरिया कनेक्शन को क्रिएट करना होगा, तब जा करके आप रिमोट ले सकते हो। लेकिन रिमोट जो मैंने वीडियो बनाया था, इस उस वाले वीडियो में क्या होता है कि जिसका हम रिमोट लेते हैं उस क्लाइंट का स्क्रीन ऑफ हो जाता है। लेकिन इस वीडियो की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस वीडियो में इसमें क्या होगा कि दोनों लोग देख सकते हैं किस प्रकार से काम कर रहा है और आप उसको समझा भी सकते हो। तो चल, चैनल में पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ये दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम विंडोज रिमोट असिस्टेंट लेते हैं। विंडोज रिमोट असिस्टेंट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, विंडोज और आर दबाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद टाइप करेंगे MSRA और ओके कर देंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर जाने के बाद MSRA मतलब स्टार्ट बटन पर जाने के बाद टाइप करेंगे, यहाँ से भी आपको इस तरह से मिल जाएगा। जैसे ही MSRA टाइप करने के बाद रन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा इनवाइट समवन यू ट्रस्ट टू हेल्प यू, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन ना होगा सेव दिस इन्विटेशन एज ए फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए इन्विटेशन नाम से ही, यहाँ पर सेव का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर, इसको क्या करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहीं पर राइट क्लिक करेंगे और पासवर्ड को कॉपी करने के बाद आप नोटपैड ओपन कर लीजिए, इसके अंदर आप पेस्ट करके सेव कर लीजिए। इसको कर देता हूँ मैं पास नाम दे देता हूँ पासवर्ड, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ और ध्यान देता हूँ मैं, ये हमारा पासवर्ड और इन्विटेशन, इसको मैं खत्म कर लेता हूँ। यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। अब करना क्या होगा कि जो हमारी दूसरी पीसी है उसके अंदर ये कोड और ये इन्विटेशन फाइल ये जाना चाहिए। आप चाहे इसको पेन ड्राइव के माध्यम से सेंड कर सकते हैं, मेल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे सेंड कर सकते हैं। अब क्या करना होगा आपको, मैं लोकल एरिया नेटवर्क पे, लोकल एरिया कनेक्शन पे मैंने बनाया हुआ है। अब हम लोकल एरिया कनेक्शन करेंगे, जो भी हमारा वहाँ पर सेव है फाइल, जो भी शेयर है ड्राइव, उसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, पेस्ट कर देते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, दूसरे पीसी पर जाएंगे और दूसरे पीसी पर जाने के बाद उसी इन्विटेशन फाइल पर डबल क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो भी इन्विटेशन फाइल वहाँ से भेजी गई है दूसरे पीसी पर, उस पर आएंगे। हम क्या करेंगे, इस फाइल को नोट पासवर्ड वाली फाइल को ओपन करने के बाद इस पासवर्ड को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इस इन्विटेशन फाइल पर डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। जब जैसे ही ओपन होगा तो ये पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे मांग रहा है एंटर द पासवर्ड टू कनेक्ट रिमोट कंप्यूटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जिस पासवर्ड को कॉपी किया है। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, अब ये क्या काम करेगा, दूसरे पीसी पर यस करने का ऑप्शन मांगेगा। दूसरे पीसी पर क्या काम करेगा, यस करने का ऑप्शन मांगेगा। और जैसे ही हम इसको यस कर दें, अब देखिए हमारा कम्युनिकेट हो, अब देखिए हमारा कम्युनिकेट हो गया। स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, यहाँ पे देखिए चैट और इस तरह से, ये दूसरी पीसी का स्क्रीन है। हम इसको मिनिमाइज करके देख लेते हैं और ये हमारा स्क्रीन है ओन स्क्रीन, इसको मैं कट कर देता हूँ एक बार। ये हमारी स्क्रीन है और ये जिसका मैंने रिमोट लिया हुआ है, ये हमारी स्क्रीन है। अब हम क्या काम कर देते हैं, चलिए सबसे पहले हम आपको चैट करके दिखाते हैं। यहाँ पर चैट का ऑप्शन दे रहा है, चलिए इस चैट पर क्लिक करेंगे और मैं कुछ लिख के सेंड कर देता हूँ। जैसे मैंने हाई लिख के भेजा, ये दूसरी पीसी में चला गया। चलिए मैं यहाँ से ही चैट करता हूँ कि व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, व्हाट इज प्रॉब्लम। जैसे मैंने लिखा तो मैं बोल सकता हूँ कि आई एम अनेबल टू डू एमएस ऑफिस ऐसे कुछ भी लिख के मैं भेज देता हूँ। चैट जारी। इसके अलावा अगर हम कुछ भी काम करेंगे, मैं अपने सिस्टम पे काम कर रहा हूँ
तब भी उस पर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ तब भी ये हमें दिख रहा है फोल्डर कैसे बनेगा। मतलब ये कि इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग कोई भी टॉपिक पे काम करेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो उन्हें दिख जाएगा कि ये कैसे काम होता है। इसके अलावा चलिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, अभी एक ही माउस चल रहा है केवल मेरा ही, लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है रिक्वेस्ट कंट्रोल का। अगर आप इसमें चाहें तो रिक्वेस्ट कंट्रोल कर देंगे, और जैसे ही हम यहाँ से यस कर देंगे तो दोनों लोग का माउस जो है वो एक साथ चल सकता है। देखिए दोनों माउस एक साथ हमारा चल रहा है। अब अगर हम स्टॉप शेयरिंग कर देंगे तो केवल एक ही माउस चलेगा, अगर आप चलाएंगे तो एक ही माउस चलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं काम करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए कि मैंने डॉस ओपन किया और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नमस्कार, सुबह खैर, सत श्री अकाल।